कैलाश जेठवानी ने हमें फोन किया है। कैलाश जी, क्या है आपकी परेशानी? वो लोन लेना है और मैं ये जानना चाहता था कि मेरे को चीपेस्ट रेट कहाँ से मिलेगा, SBI, PNB एंड एक्सिस तीन का। ओके, ठीक है, तीन बैंक के ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहते हैं। उनको 9 लाख रुपए का लोन चाहिए, होम लोन। तो SBI, PNB और एक्सिस बैंक, तीनों में से क्या क्या कोई स्पेशल स्कीम चल रही हो अगर? तो दोनों में, तीनों में कम से कम SBI की तो वो जो टीजर लोन जो स्कीम्स हैं वो चल ही रही हैं, 8% ईयर 1, आई थिंक 9% ईयर 2 एंड 3, और बाद में बेस रेट प्लस समथिंग विच अकाउंट्स टू फॉर अबाउट रफली 10%। ऐसी स्कीम्स फिलहाल एक्सिस में और PNB में नहीं है। अगर टीजर लोन्स ही लेने हैं तो फिर HDFC और ICICI में हैं, बट वो रादर लिमिटेड हैं। उसमें जो फिक्स रेट हैं वो 31 मार्च 2012 तक ही हैं। लोन लेंगे तब से लेके 31/3/2012 तक, और उसके बाद एप्लीकेबल फ्लोटिंग रेट है। और रफली अगर हम मार्केट में फ्लोटिंग रेट लोन्स की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन आपका इनकम लेवल कैसा है, लोन अमाउंट तो 9 लाख है, तो रफली आपको मेरे ख्याल से 8.5-9.5 के आसपास फ्लोटिंग रेट लोन्स मिल जाएंगे। चेतन ने कोलकाता से हमें ईमेल किया है। इन्होंने 2008 में बैंक ऑफ इंडिया से 5.7 लाख रुपीस का एजुकेशन लोन लिया था, जिसकी ब्याज दर करीब 11% है। इन्होंने ये लोन MBA करने के लिए लिया था और अब इनका कोर्स पूरा हो चुका है। ये जानना चाहते हैं कि लोन पर ब्याज कब से जुड़ेगा, और जिस वक्त कोर्स चल रहा था 2008-2010 के बीच, उस दौरान लोन पर कोई ब्याज जुड़ेगा या नहीं? हर्ष, सो ब्याज तो क्लियरली जुड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, और ऑप्शन होता है कि अगर आप उसको पेमेंट कर दें तो नॉर्मली बैंक उसमें 1% ऑफ दे देता है। पेमेंट नहीं करते हैं तो वो लोन अमाउंट में जुड़ जाता है, फिर उसको एक मुश्त आपको अगले 5 या 7 साल में चुकाना है। अभी बीच में एक स्कीम आई थी जहाँ पे फिनेंस मिनिस्टर ने एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम थी, जहाँ पे ये प्रोविजन था कि इस कोर्स के दौरान जो ब्याज देना पड़ता है वो बैंकों को सरकार दे देगी उस स्कीम के द्वारा। लेकिन वो सिर्फ इकोनॉमिकली जो एक पर्टिकुलर लेवल तक के फैमिलीज हैं उनके लिए ही था। 4.5 लाख का अगर फैमिली इनकम है, उससे नीचे की अगर आपकी फैमिली है तो वो स्कीम एप्लीकेबल है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स उस स्कीम की नहीं पब्लिक डोमेन में अवेलेबल, लेकिन उसके लिए एलोकेशन किया गया है। तो अगर वो उसके लिए उनके लिए लागू है, अगर उनकी फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम है तो उनको अपनी बैंक से पता करना चाहिए कि ये स्कीम के बारे में वो बैंक क्या कर रही है।